तो भैया जी तारीख नोट कर लीजिए, 14 फरवरी 2022। अरे अरे वैलेंटाइन डे के लिए नहीं भाई मेरे, आज मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। जानता हूँ थोड़ा लेट हो गया है, मगर कोई बात नहीं, विस्तार से ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और इसका ब्रेकडाउन भी करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। और अगर अभी तक आपने हमें यानी सिनेमा ए टू जेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज़ से, और हमें दिखाया जाता है टूटा फूटा सैंक्टम सेंटोरम जो माइट बी एवल स्ट्रेंज के यूनिवर्स का होगा। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे होते हैं कि उन्हें हर बार एक ही सपना आता है। वहीं हमें अगले शॉट में अमेरिका शावेज बंधी दिखती हैं। अगर आपको नहीं पता कि अमेरिका शावेज कौन है तो मैं बता दूं कि अमेरिका शावेज एक ऐसी बींग है जो पंच मारकर पोर्टल खोल सकती हैं। तो इनके पीछे ये जो स्टार शेप का ब्लू कलर का आपको पोर्टल नज़र आ रहा है वो इनका ही है। इसी पोर्टल में हम डिफेंडर स्ट्रेंज को भी जाते हुए देख सकते हैं, और देख कर तो यही लग रहा है कि इनकी हालत भैया ठीक नहीं है। इस शॉट के बाद मार्वल स्टूडियोज़ के नए और बेहतरीन लोगों के साथ शुरू होता है ट्रेलर, जहां हम सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी का एक शॉट देखते हैं, और उसके बाद हमें एविल स्ट्रेंज के यूनिवर्स वाला न्यूयॉर्क सिटी का शॉट दिखाया जाता है। सब कुछ इतनी तेज़ी से हो रहा होता है कि कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा वही कन्वर्जेशन करती दिखाई जाती हैं जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मल्टीवर्स के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसके रिप्लाई में वांडा कहती है कि उसको तो नहीं पता बट विजन कहता था कि मल्टीवर्स बहुत खतरनाक है। वहीं इसके अगले सीन में हम गामताज के सारे मैजिशियंस को एक जगह पर इकट्ठा देखते हैं जो सामना कर रहे हैं एक क्लाउड टाइप के किसी स्ट्रक्चर या डीमन से। अब इसके बाद वाला शॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की हथकड़ियों से बंधा देखते हैं, और तो और हमें अल्ट्रॉन्स बॉट्स भी देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि ये टॉम क्रूज वाले आयरन मैन के यूनिवर्स से हों। इसके जस्ट अगले शॉट में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक हॉल में जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां सामने 6-7 कुर्सियां लगी दिखती हैं जिनमें कुछ पर लोग बैठे हुए हैं। तभी एक मिस्टीरियस आवाज़ आती है जो कहती है कि इन्हें सच बता देना चाहिए। ये मिस्टीरियस वॉइस और किसी की नहीं बल्कि हमारे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर साहब की है। जी हाँ, वही एक्समैन वाले। और सुनने में आ रहा है कि ये लोग जो हॉल में बैठे हुए हैं ये एक्चुअली में इल्यूमिनाटीज है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो इल्यूमिनाटीज एक ऐसा ग्रुप है जो अर्थ को आने वाले खतरों से बचाता है, और इसी ग्रुप में आयरन मैन, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, मिस्टर फैंटास्टिक सब हैं। इसके बाद वाले सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शावेज को एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में जंप करते हुए देखते हैं, और इसके बाद एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक फिगर दीवार तोड़कर हमारी वांडा से लड़ने आ रहा है। इसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि ये कैप्टन मार्वल है, और जब मैंने और गौर से देखा तो मुझे पता चला कि जो भी है ये ब्लैक है। तो ये हमारी बेरी लार्सन वाली कैप्टन मार्वल नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये मैरी या मोनिका रैम्बियो वाली कैप्टन मार्वल हों। और ये पूरा सीन वही इल्यूमिनाटी वाले हॉल का है। इसके बाद हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिलता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्टैचू के सामने खड़े हैं। अब देखकर तो यही लग रहा है कि ये या तो वही इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स है जहां अभी तबाही होने वाली है, या तो कोई दूसरा यूनिवर्स जहां सब एकदम फर्स्ट क्लास है। इसके जस्ट अगले सीन में हमें दो दो वांडा देखने को मिलती हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने वेस्ट व्यू वाले घर में हैं। के बाद हम फिर से वही इल्यूमिनाटी वाले हॉल का एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जहां अमेरिका शावेज पहले एक पंच मारती हैं और उसके बाद एक जोरदार धमाका। इसके बाद एक सीन में हमें वांडा दिखती हैं जो अपने क्योस मैजिक का यूज़ कर रही होती हैं, बट इसमें हमें देखने को मिलता है कि सैम रैमी का वही ट्रेडिशनल जूम इन शॉट, जो कि हो सकता है कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और वांडा का माइंड बैटल सीन हो। इस ट्रेलर के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि वॉन्ग भाई साहब कहीं लटके हुए हैं, तो हो सकता है कि वॉन्ग भैया का राम राम, समझ रहे हैं ना, हो गया। और इसके बाद हम देखते हैं जॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज।
इस ट्रेलर में तो नहीं, बट जो यूएस में सुपर बाउल हुआ था उसमें टीवी पर एक 30 सेकंड का टीवी स्पॉट दिखाया गया था जिसमें जॉम्बी स्ट्रेंज और डिफेंडर स्ट्रेंज की क्लियर फुटेज भी दिखाई गई है। बट फिर भी इस 2 मिनट 17 सेकंड के ट्रेलर ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ा दी है। तो अब आपका इस पर क्या विचार है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर हमसे कुछ छूट गया है तो वो भी हमको बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।